बट ये कलकत्ता का मैं बता सकता हूँ, जिस दिन से लॉकडाउन चालू हुआ उसके वेरी नेक्स्ट डे से हमने ये किचन चालू किया था। स्टार्टिंग में हमने 4,000-5,000 आदमी का खाना हम प्रोवाइड कर रहे थे। धीरे धीरे डिमांड आती गई थानों से, लोगों की डिमांड आती गई, हमने इसको बढ़ाते बढ़ाते आज करीब करीब 6,500-7,000 आदमी का रोज़ सवेरे शाम मिला के खाना जाता है। ये हमारे 15 से 20 थाने के माध्यम से हम खाना देते हैं। पहले हम यहाँ लोकल डिस्ट्रीब्यूशन भी करते थे, पीछे बस्ती से लोग आते थे, करीब करीब सवेरे 600 आदमी आते थे, शाम को 600 आदमी आते थे। बट कोई कारणवश हमको जो फर्स्ट लॉकडाउन था 14 को ख़त्म हुआ, उस दिन हमने ये स्टॉप कर दिया और हमने थानों को और बढ़ा के थाने के माध्यम से ही हम लोग मोटा मोटी खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। प्लस हम सवेरे 2 से 2,500 पैकेट दूध का और 2 से 2,500 पैकेट बिस्किट का हम लोग लाल बाज़ार भेजते हैं। वो 4-5 थाना में वो लाल बाज़ार वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो छोटे बच्चों को दूध और बिस्किट भी प्रोवाइड की जा रही है। बीच बीच में हम केक देते हैं। प्लस पहला वैसाख के दिन हमने मिठाई भी बनवाई थी, हनुमान जयंती के दिन हमने बूंदिया भी बनवाया। तो वो सारा डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लोगों की जैसी डिमांड आती तमाम है तमाम तरीकों की चीज़ों तमाम तरीके की चीज़ें देते हैं। और क्वालिटी वाइज हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, सब बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी देते हैं, लोग खा के खुश रहते हैं। सर आपकी टीम में और कितने सारे मेंबर्स हैं अप्रॉक्स इस काम को, तो क्योंकि बड़ा सा काम हो रहा है तो काफ़ी लोग हो रहा है। यहाँ मेरे महाराज लोग की टीम तो समझ लीजिए 30 जन की टीम है। ऐसे हमारे लायंस क्लब के 473 मेंबर्स हैं, वो सब लगे हुए हैं, सब अपनी अपनी जगह से कोऑर्डिनेट करते हैं, सब अपना अपना योगदान दे रहे हैं और पूरा इसको मिलके हम लोग सब मिलके चला रहे हैं। तो सर अब हमारे चैनल के माध्यम से जो हमारे दर्शक है और इंडिया की जो आवाम है उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे? अपील बस मैं यही करना चाहता हूँ कि सब अपने घर में सेफ रहें, लॉकडाउन का पालन करें। आपको भोजन की व्यवस्था हम करा रहे हैं, हमारी ऐसी कुछ और भी संस्थाएं जो करा रही है। तो आपसे बस यही निवेदन है कि सरकार के नियम को फॉलो करें, लॉकडाउन का पालन करें, इसमें सबकी भलाई है। सर আপনারা কিছু अपील করতে চাইবেন পাবলিক কে? রেগুলার আমরা মাইকিং করছি রিগার্ডিং লকডাউন, সরকারি নির্দেশ মেনে চলার জন্য যা যা গাইডলাইন দিয়েছে সরকার সেভাবে প্রত্যেক দিন আমরা সকালে বিকেলে মাইকিং এর মাধ্যমে জানিয়ে দিচ্ছি। আমরা যেহেতু দেখছি ওভারঅল আমরা লকডাউন যে দিন থেকে স্টার্ট হয়েছে, তো আমরা দেখছি লোকের পাশে কলকাতা পুলিশ পুরো টিম যে হিসাবে দাঁড়িয়ে আছেন, খুবই একটা মানে রেসপেক্টেবল বলবো যে কাজটা আপনারা করছেন, যে হিসাবে লোকের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। তাহলে আমরা নিজের চ্যানেলের মাধ্যম থেকে ইভেন পাবলিকের মাধ্যমে থেকে আপনাদেরকে এর জন্য থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি। স্যার স্যার আপ কিছু কেনা চাহেন? আমি কেনা চাই। আমরা আমারই মেন সহযোগী সংস্থা ইনকাম ট্যাক্স বার অ্যাসোসিয়েশন কে আমারই সহযোগী সংস্থা হ্যায়, ইন লোগো কো হাম লোগো কো কাফি আচ্ছা বহুত বহুত সহযোগ রাহা হ্যায়, জো জো আপকে সাথ মিল করকে ও যোগদান কর রহে হ্যায়, যোগদান কর রহে হ্যায়, উনকা হাম আপকে চ্যানেল কে মাধ্যম সে বহুত বহুত ধন্যবাদ দেনা চাহতে হ্যায়। আমারে মেম্বারো কা জো ঘর বেঠে হুয়ে ভি হাম লোগো কো পুরা সহযোগ দে রহে হ্যায়, উনকা ভি বহুত বহুত ধন্যবাদ দেনা চাহতে হ্যায়। আর আপকে চ্যানেল কে মাধ্যম সে आवाम को ये मैसेज देना चाहते हैं कि घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और इस कोरोना की बीमारी को हम लोग जितनी जल्दी अगर घर में रहेंगे तो इसके ऊपर हम लोग विजय पा सकते हैं, अन्यथा ये बढ़ जाएगा। तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि घर में रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए और आप लोगों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। लॉयंस क्लब का एक ही मोटो है, मानव सेवा, कोई भूखा न रहे। जहाँ भी सेवा की ज़रूरत होगी लॉयंस क्लब हमेशा आप लोगों के सबके साथ में मौजूद है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़े। तो दोस्तों आपने देखा, ये थे लायंस क्लब की पूरी टीम जो हमारे साथ अभी आपसे रूबरू होकर के थे और अपनी जो जो एक्टिविटीज़ है इस लॉकडाउन के दौरान जो जो ये लोग कर रहे थे तमाम चीज़ों का डिटेल्स में हमें बताया। आप द लोकल जर्नलिस्ट की वीडियोज़ को देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।